नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। भारत में कोरोना प्रभावितों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है और मरने वाले 27 हो गए हैं। 21 दिन का लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में एक हफ्ते में ही लोग बिलबिला उठे हैं, स्वाभाविक रूप से बोर होने लगे हैं। और दूसरी तरफ खबर ये चल रही है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। क्या है इसकी हकीकत? क्या भारत सरकार लॉकडाउन बढ़ा सकती है? क्या निपटने की तैयारी है? क्या कोरोना स्टेज 3 में आने वाला है इंडिया में, जिसकी वजह से जो है जो राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार है वो परेशान है, इसी पे बातचीत करेंगे। दरअसल अभी जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक जो कैबिनेट सेक्रेटरी है राजीव गाबा, उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि लॉकडाउन फिलहाल बढ़ाने की कोई तैयारी है। उन्होंने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि ये रिपोर्ट्स कहाँ से आ रही है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट कहाँ से आ रही है। हुआ ये था कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की एक रिसर्चर टीम ने एक रिसर्च किया है और एक नए गणितीय मॉडल के साथ आए थे, जिसमें उन्होंने अपना एनालिसिस करके ये बताया था कि 21 दिन का जो लॉकडाउन है ये बहुत ज़्यादा प्रभावी साबित नहीं होगा। जैसे ही खुलेगा तो फिर संक्रमण का जो है खतरा बढ़ जाएगा। तो उस उन्होंने जो है अपने तरीके से रिसर्च करने के बाद बताया कि ये लॉकडाउन यदि 49 डेज किया जाता है, ये कंटिन्यूअस भी किया जा सकता है, बीच में गैप भी देकर किया जा सकता है, बीच में गैप देने पे जो है खतरा रहता है, संक्रमण बढ़ जाएगा, तो जो है भारत को राहत मिल सकती है। और इस रिसर्च पेपर का जो टाइटल है एज स्ट्रक्चर्ड इम्पैक्ट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग ऑन द कोविड-19 एपिडेमिक इन इंडिया। इसी यहीं से ये बात उठती है कि क्या भारत सरकार 49 दिनों का लॉकडाउन करेगी। तो अब जब कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने खंडन कर दिया है, इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती है, क्योंकि वो नौकरशाहों के सबसे बड़े अफसर हैं और जो भी सरकार नीतियां बनाती है उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब ये बात आ रही है कि फिर जो है यदि ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ था। इसी में बात ये भी आ रही है कि जो मॉडल इन्होंने अपना रिसर्च मॉडल अपनाया उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप को लिया, उसके इम्पैक्ट को लिया, कोरोना कैसे प्रभावित करेगा। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया कुड फेस ओवर 6 लाख डेथ, मतलब 6 लाख मौत हो सकती है। इसमें एज ग्रुप इन्होंने गिनाया है कि 60 से 64 जो है 4 लाख, और 65 से 69 जो है 3 लाख, और फिर जो बाकी 3 लाख डेथ अमंग पीपल इन देयर 20, और 65 से 69 में जो है ये कह रहे हैं कि 4 लाख, और 20 के आसपास वाले जो है 3 लाख। तो आप इसे लगा लीजिए कि 13 लाख डेथ की संभावना इस रिपोर्ट में जताई गई है। लेकिन होता क्या है कि जब भी ऐसा रिसर्च किया जाता है, एज ग्रुप को लिया जाता है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को लिया जाता है, डेंसिटी को लिया जाता है, उसके फैलने की संभावनाओं को लिया जाता है, तो उसमें ये देखा जाता है क्या क्या हो सकता है। लेकिन इसमें किसी भी रिसर्च में ये दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि इतनी डेथ हो ही जाएगी, या कोरोना जो है एकदम ऐसा संक्रमित सबको अपने जाल में ले लेगा कि बहुत ज़्यादा भारत प्रभावित हो जाएगा। इस तरह की बातें आई हैं कि भारत नहीं संभलता है तो यहाँ पे चूंकि डेंसिटी ज़्यादा है, पॉपुलेशन जो है रहती है ना उसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से महामारी का असर ज़्यादा हो सकता है। लेकिन भारत के साथ दूसरी प्लस बात ये भी है कि ये अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, गर्मी का सीजन शुरू होने वाला है, तो उससे भी फर्क पड़ता है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उससे फर्क पड़ता है। भारत पे एक ये आरोप लग रहा था कि चलिए आपने जो है लॉकडाउन घोषित कर दिया, लेकिन टेस्टिंग और टेस्टिंग किट की व्यवस्था नहीं है, और उतने जो है जितना होना चाहिए उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। उस समस्या का भी भारत ने समाधान निकाला, माई लैब जो है कंपनी ने वो ऐसा टेस्टिंग किट निकाला है जिससे कि बहुत जल्दी भी होगा और सस्ता भी पड़ेगा, और ऐसे ही लैब की भी संख्या बढ़ा दी गई है। तो अपनी तरफ से तो भारत सरकार एहतियात बरत रही है, राज्य सरकारें भी एहतियात बरत रही है। अब देखने वाली बात यह है कि 21 दिन के बाद फिर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कौन सा मेथड सरकार अपनाती है, क्योंकि ये तो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने इसका खंडन कर दिया है कि नहीं, अभी फिलहाल बढ़ाने की कोई तैयारी नहीं है। तो यहां से ये बात निकली थी और उसी पर यह कैबिनेट सेक्रेटरी का बयान आया है। तो ये है उसका सच। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।